हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फेरियर फ्यूचर ब्राइट है। आज मैं आपको रोमन काउंटिंग के बारे में बताने जा रही हूँ कि रोमन काउंटिंग कैसे लिखते हैं, कैसे करते हैं। आप लोगों ने हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम को देखा होगा, ये हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम से है। आपने ज़्यादातर ये चीज़ घड़ियों में देखी होगी, घड़ी में जैसे डबल एक्स लिख देते हैं। कई बच्चों को समझ में आता, कई बच्चों को नहीं समझ में आता। आज मैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझा रही हूँ कि व्हाट इज़ द रोमन काउंटिंग। हम जैसे 1 2 3 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक अगर आपको आता है तो 40 50 60 लिखना नहीं होगा, इजी होगा। तो मैं आपको इसका भी आगे दिखा देती हूँ, 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। और इसको पहले हम करेंगे, 1 का 1 हो जाता है, 2 का 2, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 20 का होता है डबल एक्स, ठीक है। 30 का होता है ट्रिपल एक्स। 40 का होता है एक्स एल, क्योंकि 50 का एल हो जाता है। 40 हमेशा 10 कम होता है 50 से, इसलिए हम एक्स लगा देते हैं। 60 में एल के आगे एक्स, 70 में डबल एक्स एल के आगे, और 80 में ट्रिपल एक्स एल के आगे, 90 में हमारा आ जाता है सी एक्स, ठीक है। सी का मतलब 100 में से 10 कम 90, और 100 का हो जाता है सी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 100 की जगह अब हम 200 करेंगे तो हमारा हो जाएगा डबल सी, 300 का हो जाएगा हमारा ट्रिपल सी, 400 का हो जाएगा हमारा सी एम, और 5 का हो जाता है सी डी, और 500 का हो जाता है डी। और इसी तरीके से हमारा फिर 600 का डी सी, 700 का, और इस तरीके से जब हम 1000 में जाते तो वो हमारा हो जाता है एम, ठीक है। आई होप आप ये उतार लें, फिर उसके बाद मैं आपको अंडरस्टैंड कराती हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे मैंने लिखा 48, तो 40 प्लस 80 से ब्रेक करेंगे छोटे बच्चे। 40 का हमने अभी आपको क्या बताया था, 40 का बताया था हमने एल एक्स, है ना, ये बताया था ना, एल मतलब 50, 50 से 10 कम। प्लस में 8 का क्या होता है हमारा, 8 का होता है 5 6 7 8, तो हमारा हो जाएगा एल एक्स 8, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अगर बाई चांस हमने लिखा है 213, सबसे पहले इसे तोड़ो, 200 प्लस 10 प्लस 3, इस तरीके से आप इसे तोड़ोगे। जब हम 200 का करेंगे तो हमारा आ जाएगा डबल सी, 100 का सी डबल सी, प्लस 10 का हो जाता है हमारा एक्स, प्लस 3 का हो जाता है ये। अब इन तीनों को इकट्ठे लिख दो। आई थिंक आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अब मैं अगर यहाँ पे लिख दो 542, सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, 500 प्लस 40 प्लस 2, 500 का अभी मैंने बताया था डी, प्लस 40 का क्या बताया था एक्स एल, प्लस 2 का डी एक्स एल 2। अब मैं आपको क्वेश्चंस कुछ और कर देती हूँ, 60 प्लस 9, 60 का क्या होता है 50 60, प्लस 9 का क्या होता है एक्स, 98 का 90 प्लस 8, 90 का क्या हो जाएगा एक्स सी, प्लस 8 एक्स सी 8, 138 का सी, सॉरी पहले 138 करूँ, 100 प्लस 30 प्लस 8, 100 का क्या हो जाएगा सी, प्लस 30 का क्या हो जाएगा हमारा ट्रिपल एक्स, प्लस 8 का क्या हो जाएगा ये, तो सी एक्स एक्स और 8। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा रोमन काउंटिंग, मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है। अब मैं थोड़े बड़े क्वेश्चंस करा दे रही हूँ, कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि बड़े कैसे करना है। इसे करना है 700 प्लस 30 प्लस 6, 700 का हो जाता है, 7 का हो जाता है, हम 500 का क्या बताए थे, मैंने बताया था डी सी सी, 700
प्लस 30 का क्या हो जाता है ट्रिपल एक्स, प्लस 6 का क्या हो जाता है 5 × 6, ठीक है। 119 का क्या होता है 100 प्लस 90 प्लस 6, ये हो जाएगा 100 का सी। 90 का क्या हो जाता है आपका एक्स सी, ठीक है, प्लस 6 का क्या हो जाता है ये। उसके बाद हमारा आ जाता है 1000 प्लस 800 प्लस 60 प्लस 7। हम इसको कैसे कर सकते हैं, 1000 का क्या हो जाता है हमारा आता है एम, 800 का क्या हो जाता है हमारा डी और सी सी सी, प्लस 60 का क्या हो जाता है हमारा एल एक्स, प्लस 7 का क्या हो जाता है डबल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मान लो 1395 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा 1000 प्लस में 300 प्लस में 90 प्लस में 5। हम करेंगे इसको एम सी 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 प्लस 90 का क्या हो जाएगा, 90 का हो जाएगा हमारा एक्स सी, और प्लस 5 का क्या हो जाएगा, ठीक है, 1000 प्लस में 50 हमारा हो जाएगा, 1000 का क्या हो जाएगा एम, और हमारा 50 का क्या हो जाएगा, 50 का हो जाएगा हमारा एल एम एल, ठीक है। तो आपको ये 1050 हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे ज़्यादा समझाने का वो नहीं होता है क्योंकि इतना सारा ऑलमोस्ट मैंने इतने बड़े बड़े समझा दिए हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब माय चैनल ऐसे ही वीडियोस डालने के लिए, ताकि मैं आपको अच्छे से, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे लिख के दें, ताकि मैं और भी अच्छे से समझा सकूँ, अपनी राय जरूर दें। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।